हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चाइना में मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं। मैंने पूरा वीडियो बनाया है इसके ऊपर और कई प्लेटफॉर्म्स पे जाकर इसे स्प्रेड करने की कोशिश करी है कि भारत में भी ये काम होना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि एक जिसको बोलते हैं कि एक ऐसी आहट पूरे देश में से सुनाई दे रही है कि भारत में से जो आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे चाइना में बैठकर भी दिख रही है। आपको देखिए, आप अपने आसपास देखिए कि बांग्लादेशी जो जिहादी हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर भारत में भेजा जा रहा है। कभी रोहिंग्यास के नाम पर उनके लाए जा रहा है यहाँ पर और कहाँ बसाया जा रहा है। जानबूझकर रेलवे के जो ट्रैक हैं उनके आसपास ही इनकी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ ये मिलती हैं। ये गंद के ढेर से आए थे यहाँ पर भी, उसी गंदी टेंटों में ये रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं रहेंगे, भारत में रहना है। क्यों? क्योंकि इनको एक मकसद दिया है कि हिंदुओं के गले काटने हैं और यहां पे गजवे हिंद करना है। और हमारी गवर्नमेंट को दिखता भी है कि ये घुस बैठी हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है इनके खिलाफ। हर स्टेशन पे जो रेलवे स्टेशन है, मैं तो रेलवे लाइन तो इन्होंने कब्जा कर लिया ऑलरेडी, अब रेलवे स्टेशन के 100 मीटर के आसपास आपको कोई ना कोई मजार, कोई मस्जिद आपको मिल जाएगी। जानबूझकर उसे वहां पर बनाया गया है ताकि जब भी जरूरत पड़े एक कॉल आएगी, ये पूरे रेलवे नेटवर्क को ये कब्जे में ले लेंगे। किसी भी चीज को, किसी आदमी को बाहर निकलने नहीं देंगे। 2002 में आपने देख लिया, इनको गुस्सा आया कि अयोध्या में लोग राम मंदिर के जो कार्यकर्ता थे वहां से वापस आ रहे थे, उनको जला दिया गया क्योंकि रेलवे लाइन के ऊपर कब्जा इन्हीं का है। अब जो ये सारे इन्होंने ये मजारे बनाई होती हैं रेलवे लाइन के पास में, मस्जिदें बनाई होती हैं, वहां पर आपको गुंडे, मवाली, चोर चक्के ये वहां पर घूमते हुए दिखाई देंगे गलियों में। वो क्यों? वो सारे रेलवे ट्रैक्स के ऊपर निगरानी रखी हुई है और आसपास के जो घर हैं उनकी रेकी भी कर रहे हैं कि कौन से घर में कौन रहता है, और कोई भी इन चीजों को चेक नहीं करता। वो अपने हाथों में, अपने घरों में क्या कुछ लेके जा रहे हैं, बॉम्ब बना बनाकर उन्होंने घरों में रखे हैं, पेट्रोल बम रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, ईंटें रखी हुई हैं आपके सर फोड़ने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, जो पुलिस की तरफ से आंखें बंद हैं, धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हैं। सबको दिखता भी है कि मस्जिदों के अंदर, ये मजारों के अंदर बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रियां हैं, कोई भी एक्शन नहीं है। अब आप आते हैं हाईवे के ऊपर। आप हाईवे पे चले जाइए किसी भी डायरेक्शन में, आपको हर कुछ किलोमीटरों के बाद एक नई मजार और एक मस्जिद आपको कहीं ना कहीं सड़क के किनारे पर ही दिखेगी। यानी कि वहां पर भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलनी शुरू हो गई। सड़कें उन्होंने कब्जे में कर ली हैं, रेलवे ट्रैक उन्होंने कब्जे पे कर लिया। अभी आप एयरपोर्ट पे आ जाइए, दिल्ली का एयरपोर्ट के पास सारा एरिया मुसलमानों ने अपने कब्जे में किया हुआ है, चारों तरफ से। वहां पे जितने होटल हैं वो सारे मुसलमानों के नाम पर हैं, दुकानें मुसलमानों की, घर मुसलमानों के। हिंदुओं को धक्के मार के निकाल दिया। यानी कि रेलवे ट्रैक, हाईवे और एयरपोर्ट्स सारे इन्होंने कब्जे में कर लिए हैं। यानी कि बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, और ये पूरा सिर्फ ये नहीं दिल्ली में है, पूरे देश में है। और इसके जो असर है वो कहां तक जाएंगे अब आप समझ सकते हैं। यानी कि दिल्ली को तो पूरा इन्होंने घेर लिया, और होगा क्या? होगा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है न्यू दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में कभी जाएं, जो निजामुद्दीन स्टेशन है वहां से देवबंद की तरफ जाते हैं, वहां के पूरा का पूरा जो एरिया है इन्हीं टोपी वालों के कब्जे में है, और कभी भी कोई दंगे होंगे तो पूरी दिल्ली को ये ब्लॉक कर देंगे। हाईवे जाम, रेलवे लाइन जाम, एयरपोर्ट जाम, आप निकल ही नहीं सकते कहीं भी, आप जा ही नहीं सकते। बॉम्ब उनके पास है, वो सब कुछ उड़ा देंगे, आपको भागने नहीं देंगे वो। यानी कि हिंदुओं की जो गवर्नमेंट है उनके लोगों को मार दिया जाएगा। वहां से अगर कोई फ्रीली निकलेगा तो वो राहुल गांधी ही निकलेगा, बाकी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो घुस बैठिए हैं,
ये यहाँ पर कोई शांति का काम करने नहीं आए मोदी जी, सबका साथ सबका विश्वास का जो आपका स्यापा था वो इनके ऊपर काम करने वाला नहीं है। ये ट्रेंड है हिंदुओं के गले काटने के लिए, बचपन से इनको ट्रेनिंग दी गई है, वो रिहर्सल करते हैं गले काटने के जानवरों के साथ। और सड़कें ब्लॉक करना, पुलिस वालों के ऊपर अटैक करना, ये सारा कुछ वो प्रैक्टिस कर चुके हैं शाहीन बाग के केस में, और जब दिल्ली के रायट्स हुए थे जब यहां पर ट्रंप आए थे। और जब ये अपनी हरकतों पे आएंगे तब इस देश को लीड कौन करेगा, आप ही बता दीजिए मोदी जी। और वो तो अपने मैसेजेस को, उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि मैसेज एक डालते हैं वहां पे लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता है, उनके ऐसे ग्रुप्स हैं। यानी कि जो ग्राउंड वर्क होता है गजबे हिंद का उन्होंने पूरा कर लिया, उनको सिर्फ एक इशारा चाहिए पाकिस्तान की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से कि हम आ रहे हैं तुम एक्टिवेट हो जाओ, और वो एकदम से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। रबी अब देखिए एक और चीज उन्होंने टेक्निकल उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, एजुकेशन के अंदर उन्होंने हिजाब निकाब ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। हलाल फूड मिलना चाहिए हमें मिड टर्म मील में, जहां पर मुसलमान नहीं रहते वहां पर भी उनको नमाज पढ़ानी है हिंदू के बच्चों को। अब आप देखिए जो यूपी के स्टेट्स ये सिटीज हैं, सहारनपुर मुजफ्फराबाद गाजियाबाद अलीगढ़ अलवर मेवाड़ कोई भी ले लीजिए, उन सबके पास एक ही चीज है तालिबान की मेंटेलिटी। और ये सारे के सारे ऐसी कम्युनिटी है जो हथियार से लैस है, वायलेंस में स्किल्ड है और धोखा देने में माहिर हैं ये लोग। ये जो लीडर्स हमारे देश के हैं जो हमें जातियों में बांटकर इस देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, ये देशद्रोह का इनके ऊपर केस नहीं लगना चाहिए कि इस जमात को तो वो प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा दिया। यही लिब्रांडो, यही जो जिसको बोलते हैं वामपंथी, जिन्हें बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं, ये चाटुकार कांग्रेसी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स। और ये लोग अपोज किसको करते हैं, ये खिलाफ रहते हैं योगी जी के और मोदी जी के। क्यों? क्योंकि इन मोदी और योगी ने इसी जमात को सीधा करने का जिम्मा लिया हुआ है। बोलते यही है कि हम इनको सीधा करेंगे, ऊपर से बोलते हैं सबका साथ। और ये बीमारी पूरे देश में फैलती जा रही है, और हमारे जो ये डिवाइड करने वाले लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि इस देश का दोबारा से विभाजन हो, क्योंकि उन्होंने ही कस्बे हिंद का स्यापा अब जिसको बोलते हैं कि उजागर किया था कि हम कस्बे हिंद करना चाहते हैं। वो बेशक लेहड़ू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव हो या ये पप्पू हो, सबका एक ही मकसद है। और अभी तो मुहर्रम के दिन है, हैप्पी मुहर्रम मुसलमानों, हैप्पी मुहर्रम टू यू। और इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं हैप्पी मुहर्रम में, कि अब हम जजिया में हिंदुओं की लड़कियां उठाकर लेके जाएंगे, ये हमें हक है, हमें हमारी किताब ने दिया है, हक दिया है इनको, और हम गजबे हिंद करके छोड़ेंगे। ये ओपनली बोलना शुरू कर दिया, वो भी यूपी में, कहां पर, अयोध्या में बोला है और भी कहीं नहीं, हिंदुओं के गढ़ में जाकर, अब हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, सबका साथ। और हमारे हिंदू क्या कर रहे हैं, आराम से चुप करके बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हो रहा है संदेश कली में हो रहा है, हमें क्या। ये संदेश कली पूरे देश में अब बनाया जाएगा, और आप कुछ नहीं कर रहे और ना ही आप गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना हम प्रिपेयर्ड हैं, ना अपने देश की सिक्योरिटी के लिए, ना धर्म के लिए, ना अपने इतिहास के लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना फैमिली के लिए, कुछ भी नहीं है, हम ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। हम सिर्फ ये बोलते हैं मोदी जी तुसी कुछ करो, हमने तो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी ज्वाइन नहीं किया हुआ, जबकि मुसलमान अपनी जो जिहादियों वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जाता भी है, पैसे भी देता है, उन्हें ताकतवर भी बना रहा है, तभी उनके केसेस के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुल जाती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। उनके आदमी हिंदू की लड़की को फंसाते हैं, लड़की मना करती है, 22 बार चाकू मारा जाता है, उस आदमी को बेल मिल जाती है और अगली डेट नहीं दी जाती,
क्योंकि वो मुसलमान है, और आप हिंदुओं के लिए उन्होंने पूरा घेरा डाल दिया हर जगह पे ऊपर। अपना आंखें खोल कर देखिए, आपके हर जगह के ऊपर घेरा है, इवन आपके घर के ऊपर भी, और आप सोए हुए हो। और चाइना ने यहाँ पे मस्जिदें, मस्जिदों के साथ मजारें, इनके मदरसे सब बंद कर दिए। एगियन की बंदर वाली टोपी लगाना अलाउड नहीं है, उसके ऊपर उम्र कैद है। प्लस ये इनकी जो इस्लामिक ये वर्ड्स लिखते हैं दुकानों के ऊपर, हलाल फलाल कमाल, ये कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिहाद को रिप्रेजेंट करता है। पोछे लगवा दिए इन्होंने। एक दिन जिस दिन अनाउंस किया था, अगले दिन सुबह जब आए तो सारी दुकानों के ऊपर पोछे लगे हुए थे। उन्हें मालूम था कि अगर नहीं किया तो शाम को हमारी किडनी निकाल ली जाएगी। जब तक ये काम नहीं करना शुरू करोगे, तब तक मेरे जैसा आदमी तो कल्पता रहेगा कि हमारे देश के साथ हो क्या रहा है, और हमारी सरकार भी और आप भी आराम से चुप करके बैठे हुए हो। मोदी जी, दोबारा से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉपी चाइनाज फॉर्मूला। उनकी तैयारी है और आप कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने आपको घेर चुके हैं वो। अगर आप भी भागने की कोशिश करोगे, जैसे पंजाब से बचकर तो निकल गए थे आप पुल से, दिल्ली से कैसे निकलोगे? क्योंकि उन्होंने घेरा डाला है, और आप आराम से सोए हुए हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वो भी दो दो दिन का मौन व्रत रखा हुआ है आपने कई बार तो, और वो आपके मौन व्रत और जो योगा का पोज है उसी में आपको ऊपर भेजने वाले हैं, अगर आपने कोई एक्शन अभी नहीं लिया तो। उम्मीद है आपकी इस वक्त इस वीडियो के बाद थोड़ी सी आंखें खुल जाएंगी, मोदी जी आपकी भी और इस देश के हिंदुओं की भी, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। हाय देयर, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एक्टिवेट द बेल आइकॉन सो दैट यू रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।